इस लड़की की जान लेकर ही उस औरत को सुकून मिलेगा, इसलिए इस लड़की को यहां रुकना पड़ेगा। मरने के लिए? नहीं, मरने के लिए नहीं, उस राक्षसनी को मारने के लिए मेरे पास उपाय है। मगर हाँ, यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं, इसका फैसला कोई नहीं करेगा। अंग्रेजों वाला तोता? ये तोता सब पे नजर रखेगा, सबकी खबर लाके देगा। मगर याद रखना, कुछ भी करने से पहले 10 बार सोच लेना। तोता दिखा के डरा रहा है पाखंडी। पाखंडी, 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 पाखंडी। मेरी साधना का वक्त हो गया है। आइए आइए स्वामी जी। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको भी स्वामी कनकराज की बात मान लेनी चाहिए। ये अप्पू तो एक नंबर की चालबाज निकली, हमारे साथ इतने दिनों तक रही और हमें भनक तक नहीं पड़ने दी। हाँ, उसी ने उकसाया था हमें, बोले कि अगर रैना को दे देंगे तो वो राक्षस वापस चला जाएगा। आप सबको पता है मैं आप सबके लिए और इस गाँव के लिए बलि देने के लिए तैयार थी। आप सबके साथ गई भी ना, पर अब जब हम सबको पता है कि वो राक्षस अपराजिता है, मैं कुछ नहीं करूंगी। मैं बलि देने के लिए तैयार नहीं, उस औरत के लिए तो बिल्कुल नहीं। वो तो धोखेबाज है, उसे तो सिर्फ धोखा देना आता है, अपनों को मारना आता है। राखी, राखी उसे उसे माँ बुलाती थी, अप्पू माँ। उसे मार डाला तो हम क्या चीज है? मेरी आप सबसे विनती है कि जब तक ये ब्रह्म राक्षस मर नहीं जाता, हम सबको एक होकर रहना चाहिए। मेरी बेटी तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन गांव की किसी और बेटी के साथ दोबारा ऐसा ना हो, इस बात के लिए तो एक होकर रहे। रैना रुको, रैना एक मिनट। रुकने के लिए थैंक्स। मैं रुकी क्योंकि मैं तुम्हें थैंक यू कह सकूं। थैंक यू ऋषभ, यहां आने के लिए, मुझे बचाने के लिए थैंक्स। क्या लगा था तुम्हें तुम अपनी जान की कुर्बानी दोगे? मैं देने दूंगा नहीं रैना, ऐसा नहीं है और ये गलत है। देखो, तुम मेरी बात मान लो प्लीज, तुम यहां से चली जाओ, मुंबई चली जाओ, बहुत दूर चली जाओ यहां से। मैं यहां हूं, मैं लड़ूंगा उस राक्षस से, मैं मारूंगा उसे, तुम्हारे पापा का बदला मैं लूंगा रहना। नहीं ऋषभ, उस राक्षस को तो मैं ही मारूंगी, वो मेरे पापा थे, उस राक्षस ने मेरे बाप को। और राखी, राखी भी तो मेरी बहन थी, फिर भी मैंने तुम्हारी हर बात सुनी। हाँ सुनी, पर तुम क्यों नहीं सुन रही हो? क्योंकि इसके पास अपना दिमाग है और इसको यहां रहने की जरूरत है। तुमने सुना नहीं स्वामी जी ने क्या कहा? ये यहीं रहेगी और जहां तक इसको बचाने की बात है तो मैं हूं यहां पे। युग, बाकी सब कहाँ हैं? ये कनकराज कुछ ज्यादा ही जानता है। अगर उसने गांव वालों को बता दिया होगा कि मैं जानता था अप्पू माई ब्रह्म राक्षस थी तो। युग, मैं कुछ पूछ रही हूँ, मम्मी जी कहाँ हैं? ऋषभ कहाँ है? भाई रैना भाभी, बुआ जी, फूफा जी सब कहाँ हैं? और वो ब्रह्म राक्षस मिला क्या? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सब सब ठीक है ना? भाभी प्लीज स्टॉप इट। युग भैया, आप ठीक हो ना? उमा,
अपू माँ क्या हुआ उन्हें? पुमा 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 हम राक्षस हम राक्षस हम राक्षस हाँ तुम हो यहाँ कहाँ थे तुम जब राक्षस ने इस पे अटैक किया था? किसने कहा तुम इसे बचा सकते हो? मैं स्वामी जी को ढूंढने गया था और वैसे भी गांव वाले इसकी बलि चढ़ाने के लिए तैयार बैठे हैं और वहां वो राक्षस तैयार बैठा है। आज तो तुमने इसको बचा लिया पर कब तक? अब हम वही करेंगे जो स्वामी जी हमसे कहेंगे और वैसे भी रहने यहां से जाना ही नहीं चाहती। तुम बीच में मत ही पड़ो तो ज्यादा बेटर है। बीच में मैं नहीं तुम पढ़ रहे हो, मैं इससे बात कर रहा था। ओके किस हक से? इसने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। ये नहीं बोल सकते थे टीवी होने के हक से? मैंने कोई एहसान नहीं किया था ऋषभ, प्यार किया था। राखी से, वो मेरी भी तो बहन थी। जवाब मिल गया, अब प्लीज जाओ यहां से। मैं और रैना सोच लेंगे हमें क्या करना है आगे। एक सेकंड, मुझे आगे क्या करना है ये सोचने के लिए मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। मैं खुद सोच लूंगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। और तुम होते कौन हो मेरे लिए सोचने वाले? क्या लगते हो तुम मेरे? मतलब तुम मेरे पति तो नहीं हो ना? तो फिर मतलब अगर मैं तुम्हारा पति नहीं तो मैं तुम्हें बचा भी नहीं सकता। मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ रहूंगी क्योंकि मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, उस राक्षस को खत्म कर देना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई भी भाई अपने बहन को खो दे। मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह कोई भी और अनाथ हो। आगे जो कुछ भी करना है मैं खुद कर लूंगी, किसी को बताने की जरूरत नहीं और मुझे किसी बचाने वाले की भी जरूरत नहीं है। नहीं रहना, मैं तुम्हें अपनी जान खतरे में नहीं डालने दूंगा। वो तुम्हारे कहने पर नहीं चलेगी, वही करेगी जो उसे करना है। वो मेरे कहने पे ही चली है इसलिए यहां रुकी है। तुम क्या चाहते हो क्या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए स्वामी जी यहां बैठ के ध्यान कीजिए। आपका पंछी स्वामी जी? कौन? अर्शु जी। जब मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी वो स्वयं इधर आ जाएगा। राक्षसों का विनाश तो हो जाएगा ना? यदि ऐसा नहीं हुआ तो वो गांव का विनाश कर देगा। जानता था नहीं जाएगी। उसे मारे बिना तो बिल्कुल नहीं, उसने मेरे पापा को मार डाला। ये तेरा इंतकाम नहीं, जुनून है जुनून। यही सबको सुकून देगा। तेरी शक्ति ही इस गांव के खौफ से मुक्ति दिलाएगी। ऋषभ, क्यों उस लड़की के लिए बार बार अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? क्योंकि उसने कई बार अपनी जान खतरे में डाली थी मेरे लिए, राखी के लिए। उसने कई बार मॉम की जान बचाई। ठीक है ऋषभ, उसने तुम्हारी जान बचाई, तुमने उसकी बचाई, हिसाब पूरा हो गया। अब अतीत की बातों को भूल कर कियारा के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करो। थैंक यू अंकल, मुझे तो लगा था कि आप ये शादी कैंसिल कर देंगे।
कल तो हमारी हल्दी है, राइट? एब्सोल्युटली राइट। लेकिन अभी शादी अगर वापस राक्षस नहीं आ गई तो मतलब अभी तो सब कुछ हुआ है। और नैना, हाँ, ऐसे माहौल में शादी करना कुछ सही नहीं। शादी कैंसिल नहीं होगी। बिल्कुल, ये शादी होगी। जय ऋषभ, सबने अपना रास्ता चुन लिया, मैंने भी चुन लिया। रैना ने शिवम को चुन लिया। लेकिन ऋषभ, रैना ने ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं। कहा नहीं तो क्या हो माँ? उसने मेरी नहीं शिवम की बात मानी, तो मैं भी अपने डैड की बात मानूंगा। तो कहते हैं ना, तो टेंशन हद से ज्यादा बढ़ जाए तो सेलिब्रेट कर लेना चाहिए। ग्रेट, दैट्स लाइक माय सन। शादी की तैयारियां शुरू करो। इस घर के फैसले मैं लेता हूं, आए जब मांगी जाए तभी देना, तब तक अपना मुंह बंद रखो। कियारा और ऋषभ की शादी होगी हर हाल में। वापस आ गया मैं। नहीं, संजय बच कैसे गया? और अब ऋषभ और रैना ने भी मुझे देख लिया है। अब मैं बाहर भी नहीं निकल सकती, इन जंगलों में भटकना पड़ेगा मुझे एक बार फिर रैना की वजह से। अगर संजय नहीं आता तो रैना की मौत पक्की थी। सबसे पहले मुझे संजय को मारना होगा, तीसरी और आखिरी बार। मैं अपराजिता हूँ, मैं कभी नहीं हारती। हारी बाजी को जीतना मुझे आता है। मैं जीतूंगी संजय, तेरी मौत बनकर तुझ पर टूट पड़ूंगी मैं। नहीं छोड़ूंगा मैं। कल हल्दी है तो हमने एक थीम सोची है। हम सोच रहे थे अगर सब येलो और व्हाइट पहनेंगे तो अच्छा लगेगा। जो तुम्हें ठीक लगे, मतलब आगे अगर आप कंफर्टेबल हो तो ही। आई मीन मुझे पता है कि बहुत लास्ट मिनट है, इसलिए अगर नो आई लाइक द आइडिया। भाभी, हाँ क्या? अब शादी के बाद भाभी मत बुलाना, मतलब रिश्तों में बहुत फॉर्मेलिटी सी आ जाती है। अब सॉरी।
आप मुंबई क्यों नहीं चली जाती? आई मीन टू से कि आप वहां पर सेफ रहेंगी ना? राजिता ने के पापा को मार दिया, उसे मारे बगैर तो मैं ओह सॉरी, प्लीज कंटिन्यू. नहीं नहीं, इट्स ओके, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. शिवम, ये पैसे रखो, लेकिन ये शादी धूमधाम से होनी चाहिए, होगी ना? कॉस अंकल, थैंक्स, एंड वक्त पे इतना कुछ करवाया. ओ हीरो, बहुत काम किया ना तूने, ये ले तेरे एन वक्त का हिसाब. अरे ले. अरे नहीं नहीं, बस नहीं, ये इसके एन वक्त के काम के लिए नहीं है. ये ब्रह्मराक्षस के बारे में इतना ज्ञान रखता है, ब्रह्मराक्षस से बचाने का रास्ता निकाल रहा है, ये इसी की जिम्मेदारी है, इसलिए दे रहे इनाम. देखो कमल, राजगिरा, जो भी कुछ लाना हो ले आना. मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि हम ऐसे माहौल में शादी करें क्यों रहे. कम ऑन मॉम, जाने दो प्लीज, राक्षस को कौन चाहिए, रहना. तो बेस्ट रास्ता यही है कि रहना कोई रास्ते से हटा दो ना भाई. क्या आई मीन, अगर रहना ही हवेली में नहीं आएगी तो राक्षस भी नहीं आएगा, करेक्ट? क्या गलत क्या कहा मैंने? ये असिस्टेंट है शिवम की, तो जरूरत होगी ना. हाँ, इसका यहाँ रहना जरूरी है, हम देख लेंगे क्या करना है, शादी तो होके रहेगी. चिंदी, चिंदी, तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन लेती यार? क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? क्यों करते हो तुम मुझसे इतने सवाल? मैंने तुमसे सवाल किया क्या कि तुम शादी क्यों कर रहे हो? नहीं किया ना, तुम अपने हाल पे छोड़ दिया ना, तो तुम भी मुझे अपने हाल पे छोड़ दो ना. देखो तुम अब मेरे पति नहीं हो, तुम किसी और से शादी करने जा रही हो, तो मैं क्या करूँ क्या नहीं इसका फैसला करने का हक ना तुम्हें है, ना शिवम को है, ना किसी और को है. तो प्लीज मुझसे कोई सवाल मत ही कर. देखो मुझे नहीं पता तुम मुझसे सवाल क्यों नहीं किए, शायद तुम मेरी फिक्र नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र है, बहुत फिक्र है, इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, प्लीज यहां से चले जाओ. ये शादी सिर्फ एक दिखावा है. हाँ, ये शादी एक दिखावा है. जाना चाहती हो? रहना, सब खत्म, कल हल्दी, फिर शादी, फिर सब खत्म. जी तो कह रहे थे कि उन्हें साधना करना है, पर ये तो कहीं जा रहे हैं, कहां?
ये कैसी आवाज थी? यहाँ तो कोई नहीं है, फिर ऐसा क्यों लगा कि कोई है? स्वामी जी, स्वामी जी कहाँ चले गए? जब सारे कायनात की शक्तियां तुम्हारे कदमों पे होंगी, मैं दिन रात तुझे शिकार बनाने का प्लान बनाती रही, लेकिन एक बात मैं भूल, तुझे दूसरों का दर्द सहलाने की आदत है। जैसे संजय, वो कैसे मरा, क्यों मरा, किसने मारा उसे, क्या रिश्ता है तेरा संजय के साथ? कुछ नहीं, रिश्ता है, दर्द का रिश्ता। लेकिन अफसोस, अब तू सिर्फ एक दर्द की कहानी बनकर रह गई है। तुझे पता ही होगा, दर्द की कहानी का अंत बहुत ही दर्दनाक होता है। किसी की दुखती रख पर हाथ रखो तो बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द। यहां आके तुमने बहुत बड़ी मूर्खता की है। मैं मूर्ख नहीं हूं। मूर्ख तो ये लड़की है, तुम तो ज्ञानी, महाज्ञानी और सियानी हो। तेरे वार और तेरे शिकार अब सामने आएंगे। शिकार सामने आ गया है और अब तुम इसे मुझसे नहीं बचा सकते। ऐसी मूर्खता फिर कभी मत करना, बार बार कोई बचाने नहीं आएगा। आप मुझे बताइए, आप किससे बात कर रहे थे? मैं जानता हूं तुम मुझ पे विश्वास नहीं करोगी, किसी पे नहीं करोगी। तेरे पिता तेरे असली पिता नहीं थे। तुझे ये भी पता नहीं चला तेरा पति जो तुझसे प्यार करता है वो तेरा असली पति नहीं है। अपनों ने धोखा दिया है तो गैरों पे कैसे विश्वास करोगी? आप मेरे सवाल से भाग रहे हैं, आप मुझे बता। जिंदगी है तब तक अपने, मरने के बाद अपने ही शमशान छोड़ के आते हैं। जिंदगी का सम्मान कर, बार बार मौत को न्योता मत दे। इतनी रात को कहां से आ रही तुम? ठंडी हवा में दिमाग ठंडा करने के लिए। कि क्या ऐसे लड़के से शादी करना वर्थ है जो एक मामूली सी मुनीम की बेटी के पीछे पड़ा और उसने भी गांव के एक गंवार लड़के के लिए उसे रिजेक्ट कर दिया? ऐसा कुछ नहीं है ऋषभ, मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है और मैं नहीं चाहती कि कोई भी उसे कुचल के चला जाए। तो क्या चाहती हो तुम? तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? ऐसे ही रिजेक्टेड पीस बन के उस गवार लड़की के पीछे रोते रहोगे या फिर मेरे जैसी क्लासी लड़की के साथ लाइफ में मूव ऑन करना चाहते? कल हल्दी के फंक्शन में आने से पहले डिसाइड कर क्या? डिसाइड क्या करना है मुझे? तुमने सब कुछ पहले ही डिसाइड कर लिया। मेरे डैड के साथ मिलकर शादी डिसाइड कर ली, उसे पूछे बिना शादी की डेट डिसाइड कर ली, और तो और शादी की अरेंजमेंट डेकोरेशन के लिए तुमने लोग भी डिसाइड कर लिए। वही लोग जिन्हें तो मामूली मुनीम की बेटी और गांव का गवार लड़का कहती हो। मैं क्या डिसाइड करूं?
वैसे तुम्हारा दुपट्टा फटा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे किसी नुकीली चीज से फंस के फट गया। हाँ शायद, वैसे भी मैं इसे फेंकने वाली, फटी हुई और रिजेक्टेड चीजें मुझे पसंद। मेहमान जब जाएंगे ना उन्हें एक एक डब्बा दे देना, ठीक है? ओके। सुनो ना, हाँ ये ब्लू वाला ना ज्यादा दबा देना और ये और पिंक वाला ज्यादा स्प्रेड करना, हाँ ज्यादा पिंक दिखे। हाँ और ये ठीक है, उस तरफ का भी देख लेना। रैना हल्दी तैयार है? हाँ एक मिनट। हल्दी रैना सॉरी। कोई बात नहीं नैना, तैयारियां हो गई? जी वो मैं बस हल्दी ले रही थी। इससे तू इसे परेशान कर रही हो? कितनी बिजी है ये, शादी कर रही है, हम करवा रही है, रेक भी जख्म। ये सब क्या हो रहा है भाभी के साथ? सब हो गया? हाँ मैं जा रहा हूँ, विभूति लेके आता हूँ, तुम यहीं रुकना, किसी को जरूरत न पड़े। अब शिवम आई एम रियली सॉरी मैंने तुमसे ऐसे बात की। कोई बात नहीं, सच में आई एम सॉरी, तुमने मुझे इस शादी से बाहर निकाला, मेरे लिए इतना सब कुछ किया, हमेशा मेरा साथ दिया, थैंक यू। वेलकम शिवम। बॉस मेरी हल्दी तैयार है। बड़ी जल्दी हो रही है आपको भैया शादी की? देना अभी, अब आप चिल करो, अब पिक्चर्स मैं खींचूंगा। थैंक यू। हल्दी की रस्म में सबसे पहले हल्दी दूल्हे को लगेगी, फिर ऋषभ की उतरी हुई हल्दी से कियारा का शगुन करेंगे और उसके बाद कियारा की हल्दी की रस्म। अच्छा किया, क्या कर रही हो? कियारा को अच्छा लगेगा। वो चीज जो करना था मैंने कर दिया। चल ऋषभ रस्म शुरू कर दे। भाभी फटाफट नैपकिन देना। पुरानी आदत है भाई, टाइम लग जाएगा।
तुम्हारी मुजड़ी बन गई। शुक्रिया रैना। अब ये वो ऋषभ के लिए भैया है ना पिक्चर का सीन, पति का जूती बनाए बीवी और पहनाए सौतन। संदूर तो फिल्म का नाम क्या हुआ बे? बीवी की सौतन। आपको हमेशा यही लगता है कि अपने बच्चों को कंट्रोल करके आप अपने बिजनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जोड़ियां तो आसमानों से बन के आती हैं। इस तरह कई और चमत्कार कर सकता हूं मैं, तुम्हें अपराजिता को मारने की शक्ति दे सकता हूं। तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। करोगे? तुमने तो वाकई इस जगह को जन्नत बना दिया रहना। थैंक यू। आपको पता है मैं नहीं जानती कि मेरी शादी किसके साथ होती, कब होती, कहाँ होती, लेकिन जब भी होती ना बिल्कुल ऐसे ही होती। सॉरी बेटा। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक है, अपराजिता को पराजित करना, उसका अंत करना, कुछ नहीं। खुश वो
मोहिनी यारा रेडी हो गई क्या? देखो थैंक्स, तुमने जो भी हमारे लिए किया बहुत किया, लेकिन रहना अब सारा हिसाब खत्म। मुड़के ना ही हम तुम्हारी ओर देखेंगे और ना ही तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं। याद रखना, पुष्प लीजिए, आप भी लीजिए, हाथ जोड़ के भगवान का ध्यान कीजिए। जी पढ़िए, मंत्र पढ़िए, कोई बात नहीं, बस हवा चल रही। अब आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। दोनों स्थान ग्रहण कर लीजिए। अब गठबंधन की रस्म करेंगे। वर वधु का गठबंधन करने के लिए आगे आइए। रैना, हमारा गठबंधन कर दोगी प्लीज? क्यों, वो क्यों करेगी? वर वधु का गठबंधन तो कन्या की माता क्या कर? जी पंडित जी, लेकिन मेरा ये करेगी। नहीं कियारा, कोई जरूरत नहीं, मैं कर दूंगी ना। कोई बात नहीं आंटी, मैं बांध दूंगी। लीजिए, thank you.
गठबंधन तो बन गया है, आगे की विधि मैं करूंगी। अपराजिता, पढ़ पंडित पढ़, मौत के मंत्र पढ़। ये गांव की आखिरी शादी है, बर्बादी है, ये बंधन है, मौत का गठबंधन है। मौत का आमंत्रण है। पहले तू मरेगी।